नमस्कार दोस्तों, मैं अमन चौरसी आपके लिए लेकर आया हूँ ए टू जेड टेस्ट सीरीज। ए टू जेड सीरीज का अपन क्या देख रहे हैं, दूसरा वर्जन देख रहा है। दूसरे वर्जन में अपन कौन सी क्वेश्चन देख रहे हैं, 81 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए की का सही समूह है यानी सही ग्रुप क्या है। ठीक है, अपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करना है। कंट्रो प्लस एफ, अल्ट प्लस एफ प्लस ए और अल्ट प्लस एस। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, कंट्रो प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस आदि को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है, कंट्रो प्लस डब्ल्यू, कंट्रो प्लस क्यू, अल्ट प्लस एफ फोर, अल्ट प्लस क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्ट प्लस एफ फोर। ये एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करेगा दोस्तों, किसको करेगा, एप्लीकेशन विंडो। और जब एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी तब एक बार और प्रेस करेंगे तो सिस्टम को शटडाउन भी अल्ट प्लस एफ फोर की के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट पर टेस्ट को खोजने के लिए, खोजने का मतलब होता है दोस्तों सर्च करने के लिए, सही समूह है अल्ट प्लस एफ, कंट्रो प्लस टी, कंट्रो प्लस एफ, कंट्रो प्लस एच। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रो प्लस एफ। एफ मतलब सर्च करना, सर्च मतलब फाइंड करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में टेस्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस, रिप्लेस की क्या होती है, कंट्रो प्लस एच होती है दोस्तों। क्या होती है, कंट्रो प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में यूज होने वाली की का सही समूह क्या है। ठीक है, पेज पर जाने की बात हो रही है, अल्ट प्लस जी, कंट्रो प्लस जी, कंट्रो प्लस एफ, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रो प्लस जी। कंट्रो प्लस जी होती है गो टू की, और एफ फाइव भी होती है दोस्तों। क्या होती है, एफ फाइव। लेकिन विंडो में एफ फाइव का यूज क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए। एमएस वर्ड में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। और अपन क्या कर सकते हैं, गो टू के द्वारा अपने कर्सर को नेक्स्ट पेज में ले जा सकते हैं, किसी भी नंबर वाले पेज पर ले जा सकते हैं। अपन जैसे ही पेज पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा इंटर द पेज नंबर, और जिस नंबर पर जाना है उस पेज नंबर को यानी इनपुट करेंगे और गो टू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अपना कर्सर वहीं क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउज अ डॉक्यूमेंट या ब्राउज पैनल डिस्प्ले होगा। ठीक है, कंट्रो प्लस बी, अल्ट प्लस बी, कंट्रो प्लस अल्ट प्लस, कंट्रो प्लस होम, अल्ट प्लस होम। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्ट प्लस कंट्रो प्लस होम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट किसी एक्शन को अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रो प्लस ए, कंट्रो प्लस जेड, कंट्रो प्लस वाई, कंट्रो प्लस यू। कंट्रो प्लस ए सिलेक्ट ऑल की होती है, कंट्रो प्लस जेड अंडू की होती है, कंट्रो प्लस वाई रीडू की होती है, कंट्रो प्लस यू अंडरलाइन की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रो प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी एक्शन को रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रो प्लस आर, कंट्रो प्लस यू, कंट्रो प्लस वाई, कंट्रो प्लस डिलीट। तो क्या होगी, कंट्रो प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉन्ट को बदलने की शॉर्टकट की होती है, अपने क्या बदलना है फॉन्ट को। ठीक है, कंट्रो प्लस वाई, कंट्रो प्लस एफ, अल्ट प्लस, कंट्रो प्लस एफ, शिफ्ट प्लस, अल्ट प्लस एफ, कंट्रो प्लस, शिफ्ट प्लस एफ। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रो प्लस, शिफ्ट प्लस एफ। तो जेड 2003 वर्जन में अपन क्या करेंगे, जहां पर अपना फॉन्ट रहता है, फॉन्ट एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कुंडली रहता है, टाइम्स न्यू रोमन रहता है, कुर्ती देव 011 रहता है, तो वहां पर कर्सर ले जाने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस एफ का। और 2007 में अपने कर्सर ले जाना है तो किसका यूज करेंगे, अल्ट प्लस एच प्लस डबल एफ। किसका यूज करेंगे, अल्ट प्लस एच प्लस डबल एफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शॉर्टकट के द्वारा हम फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना है दोस्तों, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रो प्लस एच, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस पी और कंट्रो प्लस अल्ट प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस पी। जी अपनी फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज को चेंज करने की शॉर्टकट की होती है, यानी कर्सर ले जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शॉर्टकट के द्वारा हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ाना, ठीक है, और कम करना। ठीक है, कंट्रो प्लस अपेयर हो, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस अपेयर हो, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रो प्लस ग्रेटर देन। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और कम करना है, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को घटाने के लिए किस की का यूज करेंगे, मैंने अभी बताया आपने, कंट्रो प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप प्रेस डॉट डॉट प्रेस करते हैं, सेल को, सेल आपको टाइपिंग को अपने कंटेंट्स के रूप में स्वीकार करती है, इंटर, इंसर्ट, कंट्रो प्लस इंटर और टैब। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कंट्रो प्लस इंटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन डॉट डॉट के द्वारा क्लोज नहीं कर सकते। अल्ट प्लस F4 प्रेस करें, फाइल मेन्यू को चुनकर फिर सब मेन्यू से एग्जिट करें, फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू को चुने, टाइटल बार पर एक्स बटन पर क्लिक करें। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइल मेन्यू से क्लोज सब। अपन देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे समझ लेना, आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पूरे एमएस वर्ड को क्लोज करने की बात हो रही है दोस्तों। अल्ट प्लस F4 एमएस वर्ड क्लोज हो जाएगा दोस्तों, फाइल मेन्यू को चुनकर सब मेन्यू में एग्जिट, यानी फाइल 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 से एग्जिट। तो एप्लीकेशन एमएस वर्ड का एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी और टाइटल बार पर क्लोज बटन दिया रहता है, एक्स बटन बना रहता है, उसी को क्लोज बटन बोलते हैं। लेकिन तीसरे ऑप्शन में क्या बात कर रहा है वो, फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू, जी क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट विंडो क्लोज करेगा, लेकिन एमएस वर्ड को क्लोज नहीं करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F12, F8, F2, F6, तो क्या होगी, F12 के द्वारा सेवज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेवज डायलॉग बॉक्स के द्वारा अपन जिस डॉक्यूमेंट है उसे दूसरी जगह सेव भी कर सकते हैं, न्यू नेम से कर सकते हैं और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं दोस्तों, और किसी अदर वर्जन पर भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। किसके द्वारा, सेवज डायलॉग बॉक्स के द्वारा। सेवज डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की F12, या ऑफिस बटन, ऑफिस बटन से सेवज, या फाइल मेन्यू से सेवज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12, F12 अल्ट प्लस F12। तो मैंने क्या बता दिया था, कंट्रोल प्लस F12 किसकी होती है, ओपन करने की, और कंट्रोल प्लस OB क्या होती है, ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एमएस वर्ड की विशेषता जो कुछ अंतराल के पश्चात डॉक्यूमेंट को अपने आप सेव कर देता है पर उपलब्ध होता है। नंबर एक, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स पर सेव टैब। नंबर दो, सेव एज डायलॉग बॉक्स। नंबर तीन, A और B दोनों बोध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स पर सेव टैब। सेव टैब क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपना, यानी कुछ अंतराल के बाद क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को सेव करता कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, F8 की को 3 बार प्रेस करने से सिलेक्ट होता है, क्या सिलेक्ट होता है, एक शब्द, एक वाक्य, एक पैराग्राफ, पूरा डॉक्यूमेंट, क्या होगा, एक वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चुने हुए सेल से चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है, F3, F8, F7, F11। तो इसका आंसर क्या होगा, F11 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर में डॉट डॉट यूज होने वाला फीचर्स प्रदान करता है, एक मैक्रो रिकॉर्ड करने, टेस्ट, कॉमा, ग्राफिक्स या टेबल की तलाश में, एक डॉक्यूमेंट को ब्राउज करता है, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट को एंड ऑफ फाइल मार्केट के नीचे मूव करता है, यानी मार्कर के नीचे मूव करता है दोस्तों, वो टी गलत है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सा भी फीचर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब, यानी जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और A to Z टेस्ट सीरीज लगाते रहे। अगर CPCT निकालना है, ESI का एग्जाम फाइट करना है, पटवारी, MPI कोर्ट, किसी की भी तैयारी करना है जिसमें कंप्यूटर आता है, तो हमारी A to Z टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।